एमपी में उम्मीदवारों के आगे इक्वल लिस्ट। लगातार चुनाव से पहले हर पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि उम्मीदवारों के नाम समय से घोषित कर दिए जाएं, तो ऐसी इक्वल लिस्ट आई है। इस लिस्ट में दो नाम है। कौन सी पार्टी की लिस्ट है ये भी मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की। दो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, इनमें सीधी के दोहनी विधानसभा से विश्वनाथ सिंह मरकाम को कैंडिडेट बनाया गया है, वहीं सिंगरौली के चितरंगी से श्रवण कुमार गोंड को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने लिस्ट जारी की है, ये दो नाम है समाजवादी पार्टी के, ये कैंडिडेट है जैसा मैंने आपको बताया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कुल चार जगह के लिए नाम घोषित किए थे, उनमें निवाड़ी से नाम घोषित किया था, छतरपुर के राजनगर से, भिंड के मेहगांव से, दतिया के भांडेर से। तो कुल मिला के अब समाजवादी पार्टी के छह उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। चुनावी समर है मध्य प्रदेश में, उससे पहले हर पार्टी चाहती है कैंडिडेट जो है उसके नाम इस बार जरा जल्दी घोषित किए जाएं। बीजेपी की 39 नामों की लिस्ट आकर सबसे पहले बीजेपी ने जो है अपनी जो है वो सक्रियता दिखाई थी, बीजेपी आगे निकली थी, सबसे पहले 39 नामों को घोषित किया था। अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। कांग्रेस की लिस्ट जो है कहा जा रहा है सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगी, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी जो है वो भी सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कुल समाजवादी पार्टी ने अपने 6 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार आपको पता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि एक बार फिर कुछ अपना प्रभाव दिखा सके, जो 2018 में कुछ उतना असर नहीं था पार्टी का। पार्टी चाहती है कि कुछ हिस्सों में, खासतौर से चंबल से जुड़े हुए हिस्से और मध्य प्रदेश के वो इलाके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी कुछ कमाल कर पाए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार यहाँ पर सक्रियता दिखा रही है और कैंडिडेटों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ एक स्थिति और ये भी है, उन जिलों में खासतौर से जो मैंने कहा, चाहे उत्तर प्रदेश से लगे हुए हों या चंबल के कुछ जिले, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो या तो समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं या फिर बीएसपी की तरफ चले जाते हैं। इस पर भी पार्टी की नज़र है बताया गया है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि अगर जो पुराने नेता, अगर मान लीजिए कांग्रेस के भी हों या दूसरी पार्टी के भी हों, तो उनके चेहरे का लाभ पार्टी को मिल सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाश रही है और एक और लिस्ट जारी की समाजवादी पार्टी ने। अब चुनाव में कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। सीधी से आप तक खबर पहुंचाई, हरिओम सिंह ने आप देख रहे हैं।